प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रोटा नो योर फेट। ज्यादातर हाथ के वलय के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वलय होते हैं ये सामान्यतः निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। लेकिन बृहस्पति का वलय एक ऐसा वलय है जिसे हम शुभ वलय भी कहते हैं। बृहस्पति की अंगुली को घेरता हुआ, यानी जो हाथ की फर्स्ट फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसको घेरता हुआ एक छल्ला होता है और ये बहुत शुभ वलय माना जाता है। एकमात्र बृहस्पति के वलय को हम शुभ वलय मानते हैं। अगर हाथ में बृहस्पति का वलय है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है और व्यक्ति को दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटी प्रदान करता है। ये व्यक्ति के अंदर न्याय प्रियता भी पैदा करता है। ऐसे लोग जस्टिस के रास्ते पर चलते हैं, न्याय के रास्ते पर चलते हैं, सही और गलत का फैसला करते हैं। इसके होने पर कभी कभी व्यक्ति वैरागी या सन्यासी भी हो जाता है। इसके होने पर व्यक्ति दुनिया छोड़ करके अपने रास्ते पर, वैराग्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। अगर आपके हाथ में बृहस्पति का वलय है तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर है और जीवन में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ईश्वर आपके साथ मौजूद रहेंगे, उनकी कृपा का अनुभव आपको अवश्य होगा। तो अगर बृहस्पति का वलय है तो आपको पूजा उपासना में पूरा समय देना चाहिए और जीवन में ईमानदार बने रहना चाहिए। अगर आप पूजा उपासना में समय दें और जीवन में ईमानदार रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रोटा नो योर फेट। देखिए, हाथ के जो चिन्ह होते हैं, जो बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं, और अगर हाथ में बहुत सारे नेगेटिव चिन्ह हैं, नकारात्मक चिन्ह हैं और उनके प्रभाव को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुबह प्रातः काल उठ करके अपने पलंग पे बैठे बैठे अपने दोनों हाथों का दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखिए, हथेलियों को जोड़ करके भगवान को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, ऐसा आप डेली करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हाथ के जो नकारात्मक चिन्ह हैं वो नकारात्मक चिन्ह आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, हाथ में जो वलय होते हैं वो जहां भी होते हैं बृहस्पति को छोड़कर, ज्यादातर जो वलय होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति पर वलय है तो हम इसको शुभ कहते हैं, हम इसको अच्छा कहते हैं। उसी तरह से जो क्रॉस है, अगर वलय भी है हाथ में और क्रॉस भी है हाथ में, तो मामला थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस भी जहां कहीं होते हैं वहां नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके साथ भी नियम वही है कि अगर बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस हो, बृहस्पति पे के पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह हो, तो इसे हम अच्छा समझते हैं। तो बाकी जगहों पर अगर वलय के साथ क्रॉस भी पाया जाए तो मुश्किलें और ज्यादा होंगी, कठिनाइयां और ज्यादा होंगी। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पे वलय है तो वो ईश्वर की कृपा है, और अगर बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस है तो वो ईश्वर की कृपा भी है और वो इस बात की सूचना भी है कि आप अपना विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।